तनुश्री नाना के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बाद अब बॉलीवुड में भी हैशटैग मीटू मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में संस्कारी बापू एक्टर आलोक नाथ पर शो तारा की राइटर और प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने रेप का आरोप लगाया है। जब से ये खबर सामने आई है तभी से लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। ट्विटर पर तो उनके खिलाफ जंग छिड़ गई है। वहीं अब ताज़ा खबरों की माने तो यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब आलोक नाथ की तबीयत खराब हो गई। जी हाँ, कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है। हाल ही में आलोक के लॉयर सरावगी ने मीडिया से अपील की है और कहा कि आलोक नाथ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मीडिया उन्हें सहयोग करे, एक दो दिन बाद आलोक नाथ खुद मीडिया में रूबरू होंगे। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में विंटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जहां उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। वहीं जब आलोक से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि विंटा जो कुछ भी बोल रही है उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मैं ना इस मामले को स्वीकारता हूँ ना ही इससे मना करता हूँ। लोगों का काम तो बातें करना है, मैं यहाँ अपनी सफाई नहीं देने जा रहा हूँ। किसी भी ऐसे मामले में सिर्फ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है, वे आगे इस पर और बात करेंगे, इस समय मैं चुप ही रहना चाहूँगा। अभी अभी इस मामले को पढ़ा है और वे ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। वेल, अब क्या सच में आलोक की तबीयत खराब हो गई है या फिर आरोप लगने के बाद वो बचने का बहाना बना रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा।